देश और विदेश में भारत सहित पूरे उत्तराखंड का नाम करने वाली बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और न जाने कितने अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उनको इस अवार्ड मिलने के बाद लगा है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं, इस तमाम विषय पर हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। बसंती बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको जो ये अवार्ड मिला है पद्मश्री अवार्ड, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और तमाम अवार्डों से आप सम्मानित हो चुके हैं, किस तरह से आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अवार्ड के लायक मैं कभी हो पाऊँ। इसके लिए अवार्ड के लिए भी मैंने संगीत नहीं सीखा था, मुझे अच्छा लगता था पहले, माँ अपनी माँ से सीखा क्या, माँ गाती थी तो मैं पीछे से गाती थी। शादी हुई तो माँ ने बोला संगीत अब तुम गाना बंद करना, ये गाना है जंगलों में हमारे यहाँ गाते थे, सवर्ण महिलाओं के लिए वर्जित हमारे वहाँ संगीत, जागर तो बिल्कुल ही नहीं थे लेकिन गीत गाना भी मना था हमारे यहाँ, तो जंगलों में जा कर के ये परंपरा थी वहाँ की, महिलाएं अपने जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती थी, उनके दुख दर्द जो होते थे, तो कंदराओं में जाके जंगलों में जा कर के वो पंछियों और कंदराओं को सुनाती थी और काम करती रहती थी। तो इसके बाद काफ़ी दिन में गांव में रही, मेरे बच्चे जो ये खेती बहुत दिन बाद मैं जलंधर आई। जलंधर में छोटे बच्चे थे, सिलाई वगैरह ये हमारा छोटा सा पगार मिलती थी, पगार ही समझ लीजिए, फौजियों की तनख्वाही इतनी कम थी कि हमको गुजारा करना मुश्किल हो जाता था, तो हमने वहाँ पर सिलाई सीखी और मीटिंग का काम सीखा और चलने का। तो बड़ा वो संगीत की इच्छा तो थी पहले से, वहाँ सामने एक स्कूल था संगीत विद्यालय, तो वो बच्चे बजाते थे पर्दा लगा के और मैं सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन क्या करें किसी को बताया ही नहीं कि मुझे अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिन हो गए ये बच्चे स्कूल चल जाने लगे, तो मेरी बेटी के स्कूल में, आर्मी स्कूल में एक टीचर थी राधा त्रिपाठी करके, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, वैसे ही बोल दिया मैंने, कोई मैडम को बोलना मुझे हारमोनियम बजाना सिखा देंगे क्या, चली गई पहले तो मैं कांपने लगी, पूछ के महीने में पसीने पसीने हो गए थे मुझे हारमोनियम, एक अनोखी अलग सी चीज़ थी वो, तो किसी महिला ने कभी बजाई नहीं थी गांव की महिला ने, तो मैं चुन गाना वैसे तो घर जा कर के तो आवाज़ आती थी, जैसे वो वहाँ पर आती थी आवाज़ ही बंद हो जाती थी मेरी, तो मैडम ने कहा अगर तुम घर बैठो अब तुम इतनी शर्म आती है तुमको तो किस लिए करना, ये तो दिखाने की चीज़ है। तो अचानक एक दिन मैडम के पास ना एक दूसरी महिला आई, उन्होंने खूब ज़ोर ज़ोर से गाया और मुझे बड़ा पता नहीं, मैंने बोला इनकी तो आवाज़ भी अच्छी है, नहीं अच्छी इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी मेरी थी अब मुझे तो दिक्कत लगा आपने कहा, मैंने बोला मैं समय भी बर्बाद कर रही हूँ, चीज़ भी दे रही हूँ और ये तो बहुत हल्ला गुल्ला हो गया लोगों में, और फिर बड़ा गलानी सी हो गई। तो उस दिन से मैंने शर्म करना बंद कर दिया, मैंने बोला कुछ भी हो कोई भी आए मैं सबके सामने गाऊंगी। तो वहाँ संगीत सीखा, फिर मैडम ने हमें विधिवत क्लास के हिसाब से उनका ये था कि पूरा दिशारत तक करो तुम, व्यवसायिक संगीत में ही आओ, संगीत के लिए पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं चाहिए ऐसा भी बोला उन्होंने। तो सीखने लगे, गुरुजी थे वहाँ पीजी कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके पास भेजा मुझे, तो उन्होंने बोला तुम्हारा विशारद हो जाए और दसवें का सर्टिफिकेट हो जाए और मैं आपको प्राइमरी स्कूल में लगाता हूँ। इसी हिसाब से उन्होंने मेरी शिक्षा संगीत की करी, बच्चों के नेशनल एंथम या बच्चों के प्रार्थनाएँ हुई और ये जो भी देशभक्ति के गीत थे वो सब मैं हारमोनियम बजाती थी, निकालती थी गाने, लता जी के, के जी के, ये आशा रोशनी जी के, ये तमाम गीतों को जो अच्छे अच्छे गीत हैं उनको मैं गाने लगी, गजलें लगी, ये सो क्लासिकल मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, काफ़ी राग सीखे उसमें जी। अब अचानक ये रिटायर हो गए तो हम यहाँ आ गए,
तो संगीत छूट गया, बिल्कुल ही छूट गया वो। अब यहाँ कोई जरिया भी नहीं था संगीत को बनाने का, और मैंने बोला अब मैं वापस अपने व्यवसाय में अपने गायों को, एक हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम गाय खरीद सकें, तो ये एक भाई साहब थे हमारे, उन्होंने फेंक दिया था उस गाय को, जंगलों में छोड़ दिया था, वहाँ से ला के मरी मरी गाय, उसकी हड्डियाँ भी नहीं थी, उस गाय को मैं ले आई, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा गाय जिंदगी में जरूर पालो, 100 तीर्थ और एक गाय पालना बराबर होगा, 100 बार तीर्थ करना एक गाय पालना, वो दिमाग में रही। अब मैंने बोला इसका सेवा, और वो तो मरी मरी कहाँ होना था वो बछड़ी, और उसके तो पूरी हड्डियाँ निकल रही थी, यहाँ एक भी बाल नहीं थे शरीर में, वो दिखते थे उसको वो हड्डियाँ, और पूरा खून का वो मूत्र हो रहा था, खून का वो अब मैं तो उसको खूब घास काटने लगी, सब मजाक उड़ाते थे, ले लोग तो दूध पियेंगे, अरे किरण की माँ तो खाम खाम गाय ला रही। अब उस गाय से ऐसा मोह हो गया मेरा, मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ, तो बड़ी मुश्किल से उस गाय को वो नहीं हुई, नहीं 2.5-3 साल पाला, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी दिन क्या हुआ कि डॉक्टर के पास बार बार ले करके परेशान हो गई मैं, डॉक्टर बोलता इसकी तो बच्चादानी नहीं है, मेरे को ये ना अवतार जैसा आ गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब ये कुदरत हो नहीं सकती, इसका जीवन आपने आबाद करना है, ये एक औरत है, ये एक गाय है, इसका आबाद करना है, हर हालत में मैं इसकी दशा नहीं देख सकती थी, इसके ये तो इतने दिन मैंने पाला है, इसका बर्बाद हो गया जीवन, आपको देखना है। अब डॉक्टर पता नहीं क्या झंझनाहट हुई उनको, उनके उन्होंने फट से अपने लूना से एक दवा निकाली, गाय के अंदर डाल दी, 15 दिन इसको कुछ नहीं देना, 15 दिन बाद इसको इंजेक्शन लगाए, और वो गाय ऐसी हुई दूध देने वाली, खूब बढ़िया बछड़ी हुई उसकी, तो ऐसा भी हुआ कई बार। तो अब हो गया, हमने अपने व्यवसाय में आ गए हम, और गाय वो पौधा के जंगल में गोज पत्ते काटने को चले जाते थे हम लोग, मैं भी जाती थी अपनी सहेली, और वो पीठ में खूब बाहर सुलेटा लगा के लौचे हम। अब मैंने उधर ही गीतों की रचना हुई जंगलों में, अच्छा वो रहा, अब क्यों मन में तो रहता ही है, संगीत के बिना दूर नहीं रह सकती थी, तो गीतों की कई रचनाएं वहाँ हुई, तो घर आके फटाफट रखती रखती आई, मैं फट फट याद उनको लिखती थी, नहीं तो भूल जाऊंगी उनको, और फिर दूसरे दिन अब बोलती नहीं तो भूल जाऊंगी करके बोलती रहती थी सारे रास्ते घर आके, कितनी लगन थी। हाँ तो घर आकर के, लेकिन मैं सोचती थी किस लिए कर रही हूँ अब ये किस काम का। अचानक क्या हुआ कि मेरे पति का एक दोस्त था कि उसने बोला मेरा भाई आकाशवाणी में, अब वो अनिल भारती थे, अनिल भारती का पता लगा तो उन्होंने आपके अंकल मेरे पति ले गए उनके घर, अनिल भारती ने बोला आंटी सुनाओ, एक एक गाना सब सुनाया, सारी धुनें जितना सारा खजाना उसके पास खोला, बोलते नहीं आंटी आपको तो मैं एकदम करता हूँ इसमें। अब उसने खुद ही बेचारे ने 2 फोटो मांगी मेरे से, अब फॉर्म भी लाया, फॉर्म भरा भरू करके सारी मेहनत उसने करी जी। और मेरा स्वर परीक्षा हो गया, इसी दरमियान ना मैं प्रधान भी हो गई, नहीं तो मैं आ गई थी अपने, मैंने बोला ना तो टीचर बन सकती हूँ ना तो कोई कहीं जा सकती, अब मैं अपने पुनः अपने व्यवसाय में आती हूँ, गाय मैं खूब दूध देती थी, 12-12 लीटर गाय दूध देती थी, मेरा बच्चे 3-3 टाइम दूध पीते थे, और मेहमानों की भी खूब मेहमान नवाजी होती थी, दूध इतना होता था जी जी। तो फिर उस परीक्षा हुई तो चल पड़ा ये संगीत, तो इसी दरमियान हमारा प्रधान के लिए हो गया गाँव में, मेरे गाँव वाले आए फिर दीदी अब तो आप फ्री हो गए हो, बच्चे निकल गए आपके, तो आप गांव की सेवा के लिए आओ, और वहाँ गई, एक पैसा खर्च नहीं किया मैंने, मैं सोचती थी हार जाऊँ तो अच्छा ही है, गांव वालों का मान रखने के लिए चली गई मैं, और यहाँ घर भी छोड़ रहा था, तो खर्चा वर्चा उन्हीं लोगों ने किया जी, कंप्लेंट उन्होंने छापे खुद सब कुछ उन्होंने किया, पर उनका ये था कि किसी तरह इसको बनाना है। लेकिन क्या हुआ कि बच्चे निकल गए तो हमारी घर की समस्या बड़ी ख़राब हो गई, इनका अकेला हो गया, तो 2.5 साल बाद छोड़ दिया। तो गांव में रह के भी मैंने काफ़ी काम किया, जैसे महिलाओं के लिए ज़बरदस्ती शादी हो जाती थी, जो महिला नहीं चाहती थी लड़की, बल्कि इस बार मिली मुझे वो लड़की जिसका जीवन मैंने बचाया, समझ लीजिए मैंने क्या बचाया, वक्त तो ऐसा ही था जी।
और फिर दूसरा मैंने ये वो काम किया कि जो विशेष वर्ग के लोग और हमारे जो हमारा वर्ग है इनमें बड़ा भेद था उस समय, तो उसको वो समानता को पाटने में मैंने प्रस्ताव पारित किया। मैं नहीं चाहती थी उनको, मैं वो चाचा जबा ये बोलती थे बचपन से हम रहे हैं, इतने गोरे चिट्टे लोग वो संस्कारी धर्म कर्म वाले सब जने उदाहरण है उनका, सब कुछ है लेकिन फिर भी उनको अलग रखा हुआ, वो मुझे बड़ा खटता है, अब नहीं है वो। तो प्रस्ताव पारित कराया ग्राम सभा में और मेरी माँ ने मुझे बोला अरे ये लोग तुझे मार डालेंगे तुम मत, इसलिए अब थोड़ी बुलाया तेरे को यहाँ। मैंने बोला कुछ भी हो मैं नहीं देख सकती इनका, मेरे पिता वो चाचा हैं वो मेरी चाची हैं नहीं देख सकती कुछ भी हो, अब वो भी हमारे साथ ही हैं उनका भी तो मन करता है, ठीक है उनके साथ रिश्तेदारी नहीं करते हैं तुम मत करो, उनकी रसोई में उनको मत बढ़ाओ, रसोई अपनी अपनी खाओ, लेकिन जहाँ सामाजिक जो भेदभाव होता है ना वहाँ समानता जरूर होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तो थाली में पिठाई लगा रहे हो उसको एक पत्ते में दे रहे हो पिठाई, और तुम रात को तो उनके बिस्तरों में जाते हो उनकी महिलाओं के, और तुम दिन में थोड़ा मैं ज़्यादा बोल गई नहीं नहीं कोई बात तुम उजाले से डरते हो अंधेरे में तुम सब कुछ करते हो, तो ये थोड़ा सा कुछ लोग मेरे से नाराज हुए लेकिन ठीक हो गए थे। आपने एक परंपरा का मतलब जो है आगे जोड़ा तो समाज को समानता तो ये भी मैंने इसलिए नहीं जोड़ा था कि मेरा नाम होगा, मैंने मुझे वाकई खराब लगता था जी, क्योंकि जो दूसरे सवर्ण लोग होते हैं चाहे उनके पैर भी ना धुले हैं वो दम करके मंदिर में जा रहे हैं, और वो बेचारे जने उदाहरण सब कुछ कर रखे हैं उनको बोलते तुम उधर बचाओ, वो मुझे बड़ा खराब लगा। अच्छा आपने ग्रामीण महिलाओं के लिए भी जो है काफ़ी काम किया है, जैसे उनका जो है उनकी उस जमाने में अनपढ़ होते थे तो चिट्ठी पत्रियाँ और उनको साक्षर बनाना कम से कम वो अपने पति से रूबरू तो हो ही जाए, उसमें आपका क्या कहना है? अब उसमें क्या होता था कि उस जमाने में पुरुष लोग जो थे कि पता ले करके जाते थे अंतर्देशी में कि कोई मिलेगा तो आप चिट्ठी दे देना, अब मैंने बोला मेरे पास आते थे महिलाएं छुपा करके उन चिट्ठियों को, तो बाद में मैंने बोला कि अब तो मेरी शादी होने वाली है तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना आना चाहिए कम से कम अपनी खबर आप दो, अब उनको जैसे पढ़ना सिखाया तो उनको शर्म पड़ी आए, अब मैं काम चेक कर रही थी उनका तो वो घूंघट से बोलते नहीं तो कर ले हम नहीं दिखाते, वो बड़ा मुझे वो दृश्य याद आता है। लेकिन पति के लिए उनका जो प्रेम था उधर से पति तड़प रहा है इधर से पत्नी तड़प रही है लेकिन वो दोनों का संवाद नहीं हो पाता था, वो अब मुझे उस समय तो इतना समझ नहीं थी लेकिन अब मुझे बहुत उसके लिए बड़ी पीड़ा होती है कि कैसे भोगा है हमारी महिलाओं ने, एक दूसरे को चाहते हुए भी वो संवाद स्थापित नहीं कर सकते, तो इस तरह सिखाया उनको कि जैसे तुम आदरणीय पति जी लिखो से वो शर्म आ गई उनको, नहीं 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 हम ये नहीं लिखेंगे हम स्वामी जी नहीं लिखेंगे तो मैंने बोला तुम बच्चे का पापा बाबा करके बोलो कि मैं यहाँ ठीक हूँ, दो शब्द लिख के कम से कम आप देने हैं लिफाफा बंद कर दो शब्द लिख दो कि हम ठीक हैं यहाँ पर, तीन चार नाम उनको सिखाए तो इस तरह उनका काम चलता रहा। मैं अब पद्मश्री आप पूरे उत्तराखंड के गौरव हो गए हैं और पूरे देश में भी दुनिया में भी जो है उत्तराखंड का एक अच्छा नाम गया है, तो किस तरह का आपको जो है लग रहा है कि मतलब आगे जो हमारे नवोदित कलाकार हैं उनको भी इस लाइन में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? अब आगे के बच्चों को वैसे तो बच्चे कर रहे हैं जितना उनसे हो पाया है, सारा दोषी तो प्लान है ये पलायन है, अब उनको क्या बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और लोग को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, लोग में जो चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ों में नहीं हैं, आपने किसी की नकल करके अपना सीढ़ी नहीं निकालनी है, आपने किसी इधर उधर से नहीं बल्कि आपने उस खजाने को खोजना है जो हमारे पूर्वजों ने बना रखा है, हमारे यहाँ इतनी धुने हैं इतने अच्छे लोग नृत्य हैं, हमारे यहाँ नंदा जी का असल में क्या होता है अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, ढोली जो ढोल वाला है वो देवताओं को नचाता है अलंकार करता है वो गाथा नहीं करता वो जी, वो तरह तरह के ढोल बजाता है उसी में संवाद भी करता है वो, लेकिन जो हमारे ब्राह्मण और जजमान लोग होते हैं देवी नंदा की गाथा को बहुत मधुर गाते हैं पुरुष लोग, और महिलाएं चाहे पीछे से बोल लेते हैं झोड़ा वगैरह सामूहिक नृत्य लेकिन असल में पुरुष होते हैं वो,
और ये बाकी आँचरी हमारे यहाँ बहुत अच्छा संगीत है जिसमें इंद्रलोक का सारा वर्णन है, इंद्रलोक के कैसे इंद्र की परियों को कैद किया था इंद्र ने, कैसे उनको नृत्यांगना बनाया था, तमाम ये मेनका से लेकर के सारा वर्णन वो आँचरी में है जी। और सीता जी का जनक का सारा वो आँचरी में, बड़े अच्छी धुनें हैं वो आँचरियों की हमारे यहाँ, खासकर चमोली में ये चीज़ है। आपको जो है जो ये पुरस्कार अभी मिला है पद्मश्री पुरस्कार, उस पर जो है हमारे उत्तराखंड के कई कलाकारों ने जो है और कई संस्थाओं ने भी सवाल उठाए हैं कि ये जो है ढोल समाज का अपना अपना सम्मान था, इसको जो है महिला को नहीं मिलना चाहिए था, या मतलब महिला इसकी हकदार नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है, किस तरह से ये अब जो नई चीज़ हुई है विरोध तो होगा ही ना, पहले जागरण का विरोध हुआ, लेकिन जो एक तरफ विरोध होता है दूसरे लोग उठाने वाले भी सहयोग वाले भी होते हैं, ऐसे हमारे साथ हुआ। एक पक्ष ने हमारे विरोध किया कुछ ही लोगों ने, लेकिन हजारों लोग पक्ष में आ गए, उनको उन्होंने बोला कि इस महान संगीत को, इन दोनों को बिल्कुल मरने नहीं देना है। तो इसमें पत्रकार आए, ये मीडिया सारा आया, हमारे बुद्धिजीवी लोग जो समाज आम लोग जो बैठे रहते हैं जहाँ जहाँ हमारा कार्यक्रम होता, हमारा बड़े मंचों पर अभी तक कार्यक्रम नहीं हुआ विरासत को छोड़ करके, ना हमारे पोस्टर लगे ना हमारी गीत संध्या हुई आज तक। संस्कृति विभाग 5 मिनट के लिए कभी हमें बुला लेता है, उसको उनकी बहुत महान काम हुआ वो कि उसी के द्वारा वो संगीत बाहर गया। और एक बार हमको यहाँ मसूरी में मिला जिंदगी में चांस 5 मिनट के लिए, और इस बार गौचर में थोड़ा एक चांस मिला, और हर जगह हमने अप्लाई किया लेकिन हमें इन चीज़ों में चांस नहीं मिला। हमें चांस दिए सेवा वही संगीत की, जहाँ की फ्री हमारा प्रस्तुति होती है जी। वो हमारे ये साहित्यकार हैं, उनकी कविताएं चलती हैं, तो शुरुआत होती है दीप प्रज्वलित में जागरण से, तो वो हमें बोलते हैं बहन हम आपको कुछ नहीं दे सकते लेकिन आपका जागर चाहते हैं। वहाँ अपार मीडिया आती है और वो मीडिया इनके साथ साथ इस संगीत को ले गई अंतर्राष्ट्रीय तौर। और इन जो ये साहित्यकार हैं, इन्होंने अपनी लेखनी में इस संगीत के बारे में बहुत अच्छा प्रस्तुतियाँ, ये समीक्षा लिखी इन लोगों ने। फिर क्या हुआ कि ये जो साहित्यकार हैं समीक्षा बहुत जगह लिखी, कहाँ कहाँ उन्होंने दे दिया, जो आज जो कुछ भी है मतलब मुझे शाबाशी जो मिली है, तो मेरे असली हकदार ये लोग जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। अच्छा, जो हमारे नए कलाकार हैं उनमें से भी मुझे लग रहा है कि कई लोग कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, बट अभी आपको ये लगता है कि इन लोगों का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? मैं अपना ही भविष्य नहीं देख सकती हूँ, उनका कैसे देखूँ, वो तो कब क्या हो जाए, कहाँ ईश्वर की कृपा है, कहाँ ईश्वर है, कहाँ लगन है, कैसे लोगों से आपका संपर्क हो। आप सबसे बड़ी है आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच अच्छी है तो आपके साथ हजारों लोग जुड़ते हैं, आपको दिल खोल के दिए हैं देंगे वो लोग। जैसे उत्तराखंड के लोगों ने, इस उत्तराखंड के लोगों ने मुझे दिल से दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना प्रोत्साहन दिया है इन लोगों ने। तो अब जब आपकी जो व्यक्तित्व आपके अंदर मैला नहीं है, कभी किसी के प्रति सौहार्द आपके अंदर है, तो आपका अपनी जाति तो क्या, दूसरे लोग भी आपके अपने हो जाते हैं जी। और दिल खोल के उन्हीं का आशीर्वाद से आप फलते फूलते हैं, मुझे तो ज़िंदगी में ये रहा तजुर्बा मेरा जी। जो सरकारों का अभी तक का रुख है आपके जागर, जो जिनमें जो है देववाणी है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड की आराध्य देवी भी मानी जाती है, तो उसमें किस तरह का सहयोग आपको मिला है, कोई मंच मिला है, या मतलब किस तरह का सपोर्ट उनको मिला है, जो मिलना चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन संस्कृति विभाग का जैसे उनके साथ तोलियाँ होती हैं, तो 5 मिनट का समय मुझे मिलता है वहाँ कभी कभी। और लेकिन पहले इसमें अच्छा था, परिषद थी और हमारे जो अफसर लोग थे, हमारे राकेश साहब थे, मुत्तू साहब थे, एस के मुत्तू साहब थे, तो ये लोग तो हर हालत में जागरों के बड़े, हालांकि वो पहाड़ी नहीं हैं लेकिन जागरों के रसिक थे वो लोग, तो उनको आदेश होता था कि बसंती विष्णु का जागर से शुरुआत की जाए। और बीमा जी भी करते हैं जब जैसे जैसे उनको समय मिलता है, 5 मिनट के लिए जैसे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी टोलियाँ होती हैं,
और तो सहयोग मुझे नहीं मिला, और इसके लिए थोड़ा सा अनुदान हमारे राकेश साहब ने हमारा अनुदान मंजूर किया था, राकेश शर्मा साहब ने, तो बीना जी ने उसको हमें दिया था नंदा जी की किताब के लिए। बाकी नेताओं के द्वारा हमारा आज तक कभी कोई भी सहयोग नहीं हुआ, और ना ही हमने उनसे कभी, हम सोचते हैं कि हम बोलें कि ना बोलें बोला था एक दो बार हमारा कार्यक्रम के लिए, हमें ये कह दिया नहीं नहीं वहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हुआ है वहाँ एक आध दफ़ा बोला था हमने खास आज, मतलब कोई इस तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। नहीं, और फिर एक बार हमने ये पद्मश्री के लिए किसी ने बोला कि दीदी इसका वो करो, एक संस्कृति ले आओ तुम, तो बोला वो इधर रख दो अपनी फाइल। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उसका, बल्कि हमारे जो अफसर हैं, जो हमारे अफसरशाही लोग हैं, कम से कम वो हमसे ढंग से बात करते हैं, बड़ा आदर से बोलते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, चाहे वो पहाड़ी हैं या नॉन पहाड़ी हैं, जो भी हैं, लेकिन मैं उनका काफ़ी सहयोग हमारे जीवन में। अच्छा, आप ये बताओ, आपने जो है महिलाओं का जो है आजकल एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से तैयार हो गया है शराब के विरुद्ध, और उत्तराखंड आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है, तो अब जो है शराब की दुकानों पर सरकार का कोई रुख तो दिखता नहीं कि बंद कराएंगे या दूर करेंगे, आपका क्या कहना है इसमें? शराब अगर आए नहीं तो कल, क्योंकि जैसे कल मुझे पूछा कि गौरा दीदी जैसा कोई महिला नहीं हो, तो गौरा दीदी उस समय एक दायरा था, छोटा सा एक क्षेत्र विशेष था, आज शराब का इतना ये दानव पैदा हो गया है कि हजारों महिलाओं का भी कुछ उसमें नहीं हो पा रहा है, उनसे भी रोकथाम नहीं हो पा रहे हैं, इतना विशाल ये जैसे बोलते हैं उस जमाने के ये थे ना वो रक्त बीज दानव पैदा हो गए हैं, तो उस समय क्या हुआ, जब अति हो जाती है तो उसका विनाश तो अवश्य होता है, महिलाएं जरूर जीतेंगी, और ये शराब आज नहीं तो कल बंद होगा, करना पड़ेगा इसके लिए महिलाओं को। अब देखो ना पहाड़ों से कैसे निकल रहे होंगे, मैं तो रात दिन उनके बारे में सोचती हूँ, कहाँ उनके गाय बछिया हैं, कहाँ उनका घर है, कहाँ उनका खर्चा पानी चल रहा है, इतनी धूप में इतना संघर्ष कर रही हैं हमारी बहनें, कितनी कठिन जगह रहती हैं वो लोग, सरकारों का तो किस लिए कर रहे हैं वो, कि अपनी पीढ़ी को अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए बिल्कुल, और हम तो ये हमारा पूरा दावा है कि अगर ये शराब बंद हो जाए, आप व्यवसाय कर दें, खेती का सुधार कर दें, पशुपालन दे दें, तो हमारे बच्चे तो सरकार की तिजोरियां भरेंगे, वो तो इतना कमा करके देंगे, खुद भी खाएंगे और देंगे, इस लायक हमारे बच्चे हैं नई पीढ़ी, जब उनके साथ उनके पास कुछ है ही नहीं है, तो नशा में उनको लगा दिया है, तो काम कैसे करेंगे, उनकी जो ऊर्जा है वो तो वहीं पर ख़त्म हो गई है, बर्बाद करने की साजिश, बर्बाद करने की साजिश हो गई। पहले कितना हमारे भेड़ बकरियां होती थी, हमारे जानवर होते थे, इतना घी दूध अन्न धन धन्य धान, हमें सरकार का मुंह देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अब सरकार का मुंह देख करके आ रहे हैं ये देहरादून सारे पलायन हो गया है, ना तो पहाड़ खुश है, ना तो मैदान खुश है, पहाड़ों का जो बोझ है मैदानों पर आ गया है, और यहाँ मैदानी भी परेशान है, ऊपर पहाड़ बर्बाद हो गए, वहाँ आपको बता दूँ मैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है वहाँ से, क्योंकि पलायन हो गया तो वहाँ से खतरा भी हो गया है, क्योंकि देखा गया है ऐसा संकेत कई बार जंगलों में महिलाओं ने कुछ जैसे जंगलों में घाट पार लेने जाते हैं, अजनबियों को देखा भी है लोगों ने, तो ऐसा भी खतरा हो गया है, तुरंत अगर इस पर रोकथाम ना हुई तो ना रहेगा, जब पहाड़ का अब किसी ने क्या फैला दिया ये पहाड़, ये हमारा गीतों में हमेशा रहा है सौहार्द बढ़ाना, हमारा प्रेम भाव, प्रेम से बढ़ करके कोई काम नहीं है, प्रेम में शांति है, प्रेम में ऊर्जा है, और प्रेम में संतोष है, हमने पहाड़ और मैदान को जो अपने गीतों में डाला है कि ऐसा देखा गया था कि पहले हमारी बुढ़िया जब मैदानी यात्रा लोग जाते थे तो उनके लिए बड़ा तिलक वगैरह करते थे, खीरा ककड़ी आलू देते थे, अरे हमारे मैदानी यात्रा आ रही है, हमारे तीर्थ अतिथि देवो भव, वो भी हमने अपने गीतों में डाला है। दूसरा, पति पत्नी के लिए कितना सम्मान था एक दूसरे के लिए, वो भी हमने अपने गीतों में डाला, हमने जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं अपने संगीत में, हमने विरोध नहीं किया किसी का, क्योंकि विरोध करने से कभी किसी को, अगर किसी को झुकाना है तो प्रेम से
से। और हमारे भी जो विरोधी हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही खास हैं जितने हमारे प्रिय हैं मेरी तरफ से तो। जी जी, तो ये ऐसे ही हमारे जीवन का रहा है हमेशा। वर्तमान सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि जागरों को कोई नई ऊर्जा मिलेगी या पहाड़ों को नया जीवन मिल सकता है, ऐसा कुछ आपका मानना है? मैंने कई बार मैं बोलती थी, मैं लिख करके भी दिया मैंने इंटरव्यू में भी आप लोगों को, कि जागर ही एक ऐसी शैली है जो हमारे उत्तराखंड को पहचान दे सकती है। इसमें वेद वेदांत हैं और धरती आसमान पूरा जो हमारा धर्म शास्त्र है, हिंदू धर्म का जो वृतांत है, तमाम जब से सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब से जागरों में विराजमान है। वो गाते हैं, हमारे जो नंदा देवी के पुजारी होते हैं और दूसरे जगरिया होते हैं, हमारे सवर्ण ब्राह्मण भी गाते हैं हमारे यहाँ, और जजमान भी गाते हैं, ठाकुर भी गाते हैं इस गाथा को, बहुत बखूबी बोलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी धुनें हैं वहाँ। फिर पांडव पंडवाणी भी है हमारे यहाँ, किसान के गीत भी हैं, ऋतुओं के गीत हैं, और ये तमाम फूलदेई के गीत हैं हमारे यहाँ, और पति बिछोड़ के हैं, बाल विवाह के हैं, बाल ये बचपन के जो बाल लीला होती है उनके हैं, लोरी वगैरह, मतलब गीतों का एक अपार भंडार है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है अभी। वो बच्चों को पता ही नहीं क्या था, हमने जो सुना है वो आज के बच्चे कहाँ से सुनेंगे, पिछला तो गया हमारा सब कुछ, तो बड़ा दुख होता है हम कैसे लाएं इसको। पहले से मैं बोल रही हूँ कि भगवान मैं कैसे लाऊं अपने बच्चों, तो कभी तो कोई याद करेगा कि ऐसे लोग थे वो लोग, ऐसे रसिक थे वो लोग जिन्होंने उन कंदराओं में इसको बिना गुरु के प्राप्त किया है, और इसमें सारे धर्म शास्त्र हैं, हमारे पूर्वजों ने अभी तक इसको जोड़ते रहे सनातन धर्म से, चूँकि अब ये पलायन के कारण वो फिर बंद हो गया है। ये अच्छी बात है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं हमारे बच्चे अभी, लेकिन करें क्या वो बेचारे, उनको मिलता ही नहीं है, वो मेले उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो जो धुने हैं उनको पता ही नहीं है, तो वो बेचारे इधर से फिल्मों से किसी के दूसरे के गाने गा करके, फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चे अभी, ये तो पलायन रुकेगा। और दूसरा जो मेला होते हैं गांव में, आज का प्रचलन हो गया है आधुनिक मेलों का, जो पौराणिक मेले थे वो ख़त्म हो गए। अब जो बैठे होते हैं पौराणिक मेला के जो जानकार हैं उनको तो बैठा दिया जाता, तुम देखो, और दूसरे जो आधुनिक संगीत है उसको परोसा जा रहा है, जबकि होना चाहिए उन गांव वालों को। पहले क्या था, सामूहिक लोग नृत्य होता था, सामूहिक गाना होता था, सामूहिक हमारे मुखौटे नृत्य होते थे, नारद बनते थे, हमारे देवताओं के वाहन बनते थे, वो सब कुछ होता था, जो सृष्टि में है वो सब गांव वाले करते थे, लेकिन वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया है, यहाँ से टीमें बुला लिए, अब उन्होंने आधुनिक वो गाया और चले गए, वो भी बड़ा गलत हो रहा है। ऐसा नहीं, सरकार से कुछ उम्मीद है, कुछ करेंगे? अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है वैसे हमें तो नई सरकार से, अभी तक हमारी भगवान करे हमारी उम्मीद ना टूटे, और अपने मुख्यमंत्री जी से भी है, अभी मोदी जी से भी, हमारे प्रधानमंत्री से भी मेरी जबरदस्ती बहुत अच्छी बात हुई इस बार, जब मुझे जाने नहीं दे रहे थे वहाँ, मैं तो जबरदस्ती पहाड़ी तो हुई, मैंने बोला मुझे जाने दो, मैंने अपने प्रधानमंत्री से मिलना है, तो मेरे लिए उन जो सिक्योरिटी थे मीडिया वाले थे थोड़ा जगह बना दी थी, तो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कहने लगे, बड़ी खुश हो रही हो, बड़ी चमक रही हो, क्या बात है, कैसा लग रहा है? मैंने बोला मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ, इतने सालों बाद गांव की तरफ आपकी नज़र गई भारत सरकार की, तो अब और मैंने बोला हमारा सब कुछ चला गया, हमारा पलायन चला गया, हमें अपनी हरियाली चाहिए, अपनी भेड़ बकरी चाहिए, शराब ने बर्बाद कर दिया, मैंने एक ही सांझ में इतना कुछ बोल दिया, और मैंने बोला फिर पता नहीं कहाँ मौका मिलेगा, हमें वापस जाना है, हमारा दम घुट रहा है यहाँ, हमें अपनी हरियाली चाहिए, अपने अनाज के ढेर चाहिए, भेड़ बकरी चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, करता मैं कर रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री के मुख से ऐसी बातों पर ध्यान दिया गया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद है, शायद मुझे अपने पर भी इतना भरोसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं रावत साहब, वो ज़रूर पहाड़ की, अभी हमारी कितनी महिलाएं ख़त्म हो गई आपको बता दूँ, आप मीडिया के सामने, ऐसा भी हमने देखा है कि प्रसव के दौरान उन महिला को कई दिन चिल्लाने के बाद, कई दिन उसको पीड़ा होने के बाद, बच्चे को काट काट के टुकड़े टुकड़े भी निकाल रखे हैं,
ऐसा हमने देखा है उस जमाने में बहुत पहले, क्योंकि डॉक्टर नहीं था। आज भी वही हालत है, तड़प तड़प के हमारी महिलाएं मर जाती हैं। गाय भैंस बेच के जेवर बेच करके किसी तरह जो देहरादून लाता है, फिर हजारों रुपये यहाँ बर्बाद करता है। डॉक्टर ही नहीं होते हैं वहाँ। और वो पहले ज़माने के जो तजुर्बेकार थे वो सब कुछ करते थे, पट्टी वगैरह, वो लोग नहीं हैं। तो ये समस्या, या तो वो पहले के लोग हों जो पुराने जो हमारे आयुर्वेद का इलाज होता था गांव के लोग करते थे, कुछ लोग प्लास्टर भी करते थे हड्डी टूटने के बाद, जड़ी बूटियों से भी इलाज होता था। और ये तमाम चीज़ें, दाइयाँ बहुत अच्छी होती थी घरेलू पशु वालियाँ, तो वो अब नहीं, वो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है महिलाओं के लिए हमारे यहाँ। एक शराब की हो गई, दूसरा बीमारी की हो गई, तीसरा शिक्षा की समस्या हो गई है। अब जब यहाँ पेपर हो जाते हैं तब वहाँ खबर मिलती है। अब इतना यातायात कोई साधन नहीं है, उनके पास खर्चा नहीं है, कहाँ आई। भौगोलिक स्थिति इतनी है कि चलते चलते इंसान आधी उम्र तक वो थक जाता है, कब वो आए। किसी तरह हमारी बहू बेटियाँ पढ़ाई करती हैं और तो टेस्ट देते हैं, लेकिन कंपटीशन में नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इधर पढ़ाई है, उधर खेती है, उधर गाय भैंस है, उधर ससुराल है, उनको 50 चीज़ों में एक साथ काम करना होता है। तो ये सारी समस्याएं हमारी पहाड़ की ओर रखी हैं। यही पलायन अगर रुकता है, आप सिर्फ हमारी खेती का सुधार कर दीजिए, पशुपालन और खेती दो काम, और एक शराब, तीन काम आप कर दें तो ये पहाड़ भी खुशहाल रहेगा, मैदान भी। जब मुकुट खुशहाल रहेगा तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा जो सर ये शांत रहेगा तभी तो शरीर रहेगा, तभी तो हमारा मैदान। पहले पशु होते थे हमारे, इतना सारा हमारा उतने पशुओं का जो गोबर होता था वो खेतों में हर साल आता था। तो जैसे बरसात आई पानी में गया, उस पानी से मैदानी फसल इतनी होती थी, हो जाती थी, अब बहुत पैदावार होती थी। अब वहाँ जानवर ही नहीं है, जंगल काट दिए हैं, मैदान कैसे फलीभूत हो सकता, कैसे वो अनाज उगाएगा। पहाड़ों से तो सारा वो जड़ी बूटियों का पानी आता है उसमें, तो वो वहाँ वहीं मिट्टी नहीं आ रही वो, क्योंकि गोबर ही नहीं है, पशुपालन ही नहीं है, पशुओं को क्या खिलाएं, पानी नहीं है। तो ये हमारे पशुधन आ जाए, हमारी खेती का इंतजाम हो जाए, और ये हॉस्पिटल और शिक्षा, बाकी आप कुछ नहीं दें, हम खुद कमा के आपको टैक्स देंगे। हम तो हमारे लोगों ने तो क्या किया कि पहाड़ी जो महिलाओं ने ये मुरकुले भी दिए देश आज़ाद में। हमारी दादी बताती हैं, माँ जी बताती हैं, जब देश की सेवा के लिए उन्होंने जितने जेवर थे, किसी ने गिना नहीं है कि जेवर कितने किसके पास हैं, जो मिला उन्होंने सरकार को दिया। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे लोग तो कमा के देंगे, घी पैदा करके मैदानों को जाता था। हमारी जो कुट्टू का आटा वो मैदानों को जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं जा रहा। तो कहाँ खुश है मैदान और पहाड़, दोनों दुखी हैं पहाड़ की वजह से। ये पहाड़ संपन्न होगा तो मैदान अपना आप ही खुश होगा, उनकी आओ भगत होंगी, उनके तीर्थ यात्री चलेंगे, और वो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे औषधि युक्त अनाज ऊपर से आएगा, जड़ी बूटियों का होगा, सब कुछ होगा, और उनका आपसी सौहार्द बढ़ेगा दोनों। अब और तो कुछ नहीं आता, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं लोग, एक सोचता उसने खा लिया और दूसरा सोचता है उसने खा लिया, और खाता क्या है उस, मेरी तरफ से तो एक दो लोग ही खा रहे हैं, बाकी तो परेशानी है। जिनके हाथ में भंडार है वो खा रहे होंगे, बाकी तो पहाड़ भी दुखी है, मैदान भी दुखी है मेरी तरफ से। अब वैसे जब मैं प्रधान थे वो गढ़वाली में चिट्ठी उनने सहयोग के लिए लिखी थी उन्होंने मेरे नाम से। वर्तमान संस्कृति मंत्री आपके सतपाल महाराज जी बने हैं, सतपाल महाराज जी को एक जमीन से जुड़ा नेता के रूप में भी जाना जाता है, वो संत महात्मा भी, तो उनसे क्या उम्मीद है, हमारी संस्कृति को कुछ बढ़ावा मिल सकता है? मिलना तो चाहिए अगर वो चाहें तो, वो अब कितना वो तो देखा जाएगा, अभी मैं कैसे बता सकती हूँ। अगर वो इस संस्कृति को बचा लेते हैं तो उनका नाम बहुत ऊंचा, मतलब हमेशा दुनिया याद रखेगी कि उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में ये काम किया। क्योंकि जितने भी राजा आए, किसी ने मंदिर बनाए, कितने कुछ बनाया, तो जितने हमारी सत्ता में जितने भी हमारा इतिहास बताता है कि किसी कुछ ही लोगों का नाम है जिन्होंने शिलापट बनाए, जिन्होंने ये माँ कुमाऊँ में ये नवले बनाए, जिन्होंने संस्कृति के लिए काम किया, कुमाऊँ के राजाओं ने किया, देवी नंदा का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो उन लोगों के अमर हो गए।
अगर सतपाल जी महाराज हमारे मंत्री इस जागरों के लिए, खासकर नंदा के लिए कोई विशेष काम करते हैं और वो दूर देश तक जाता है, हमारी जैसे नंदा देवी का नाम दूर तक जाता है, तो उनका नाम भी हमेशा दुनिया याद रखेगी कि ऐसे मंत्री आए, नहीं तो ये संगीत तो चला गया था, लेकिन उन्होंने इसको संभालते, मतलब मरते मरते इन्होंने देवी की भक्ति की, तो ऐसा इतिहास में उनका नाम अगर वो करते हैं तो। अब कितना करते हैं, अब मृत प्राय जैसे हमारे जागर लग रहे हैं और नई पीढ़ी में उनको कुछ कुछ किया नहीं जा रहा है, नई नई पीढ़ी में इतना कोई इंटरेस्ट है, तो अब क्या उनको जीवन, नया जीवन देने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? उनको तो मेहनत करनी है और कुछ नहीं, खोजना है और मेहनत करनी है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, एक काम तो चाहिए होता है, आपको बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको उन पहाड़ में पहाड़ी ज़िंदगी का ज्ञान होना चाहिए, जो आपके विधि विधान जो देवता, अब आजकल जागरों का भी स्वरूप बदल सा गया है, गीतों की श्रेणी में उनको डाल दिया है, या फिर जाग जाग बहुत हो गया है, और हमने तो जाग जाग नहीं किया अभी, क्योंकि हमें इतना अधिकार नहीं है, अभी हम जाग जाग वाला जो है वो बड़े साधक होते हैं, वो लोग उनकी पवित्रता बहुत ध्यान में अनुष्ठान के तौर पर उनको देवताओं को जगाया जाता है, वो वहीं पर स्थापित होते हैं वो देवता, तो हम जगह जगह देवताओं को जाग जाग नहीं कर सकते, मैं देवताओं का यशोगान गाती हूँ, उनके जो उन्होंने संसार के लिए जो उनके कल्याणकारी कार्य किए थे उनका वर्णन करती हूँ अपने देवताओं को, इसमें देवी नंदा तो है ही, गोरी नरसिंह देवता, भैरव है, पांडव हैं, गढ़ देवी जो हमारे जो सैनिक जाते थे पहले, तो गढ़ देवी की पूजा होती थी, उनका यशोगान गाते हैं, और ये तमाम देवता जितने भी देवता हैं उनका मैं नरसिंह इनका गाथा में गाती हूँ, कहाँ से ये देवता आए थे, कहाँ से इनकी पूजा हुई, किसने इसको किस युग में इनको स्थापित किया गया, तो वो इस तरह इतिहास के तौर पर हुआ जाता है। तो गीतों में हमारे असल में हमारे जो जागर हैं, जिस तरह शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत में प्रचलित दोनों दोनों वर्जित हैं, गीत वर्जित हैं, तो ऐसे ही हमारे जागरों में भी प्रचलित दोनों में जागर नहीं गाए जाते, और इसको बनाए रखना चाहिए नई पीढ़ी को, तो वो क्या है कि आपका बहुत आगे तक जाएगा, अगर प्रचलित दुनिया में आपने कर दिया तो गीत हो जाएंगे वो, मुझे ये कहा गया है डॉक्टर डी आर पुरोहित ने, क्योंकि मेरी बोली नहीं आ रही थी किसी को समझ, हाँ अरे ये बसंती पता नहीं क्या गाती है बोलते थे लोग, लेकिन जो धैर्यवान लोग हैं जानकार हैं वो तो बड़े ध्यान से सुनते थे और पूछते थे मुझे क्या गा रही हो तुम, तो उस समय क्या था कि जागरण के लिए, हाँ तो नहीं आ रहा था मुझे समझ, जैसे नए पीढ़ी के लिए क्या किया जाने की, नया पीढ़ी के लिए पुरानी चीज जो एक्चुअली में जो नेचुरल चीज है उनको खोजना चाहिए और उसमें समय देना चाहिए, आपको इतनी जल्दी नहीं है कि आप बहुत सारे कार्यक्रम करें, और आपका दो कार्यक्रम साल में चार हूँ लेकिन वही हूँ कि जो दुनिया याद है, अपने आप समय दें उसके लिए, अपने रियाज के लिए, जितना रियाज करेंगे आपके बोल होंगे दमदार बोल होंगे, और दूसरा मैं जागरों के लिए बच्चों को ये चाहती हूँ बोलना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जागरों में गीतों को समाहित नहीं, गीत प्रचलित दोनों को नहीं डाला है उन्होंने, जागर को एक अलग श्रेणी में रखा है, जैसे शास्त्रीय संगीत में प्रचलित धुने नहीं है, तो वैसे हमारे जागरों में भी नहीं है, तो वो धुने रहने दें उन्हीं को, जैसे अलग देवी नंदा की अलग धुन है, अलग वो ये एक अलग सा उसका तस्वीर है, गोरिल देवता की अलग है श्रेणियाँ, उनके पता चलता है मैं गा रही हूँ तो ये गोरिल के गा रही है, नरसिंह के अलग हैं, हर देवताओं के अलग अलग धुने हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं, नृत्य के भी अलग तरीके हैं, साज भी उनके अलग होते हैं, और गायन शैली भी अलग अलग देवताओं की अलग अलग होती है, और वीर रस के जो हमारे वीर भड़ हैं उनके भी अलग धुने हैं, उनके भी उनमें वीर रस ज़्यादा है, फिर ऋतुओं के गीत हैं और जो ये मोल्यार वगैरह के गीत हैं उनकी धुने अलग हैं, तो वो जागरण में शामिल नहीं करते हैं, जागरों को हमने अखंड रखा हुआ है अकेले, इसमें हमने बिल्कुल नहीं बाहर का नहीं जाने दिया, हमने बोला हमारा चले या ना चले हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं,
तो ये हमें बताया हमारे दो गायक जिसने जी बोला कि बहन इसको बिल्कुल भी तुम इसको बिगाड़ना नहीं है, दूसरी धुन में नहीं गाना है आपने, ये तो हमारा उत्तराखंड का मजबूत शास्त्रीय संगीत है, आने वाले समय में इसको शोध करेंगे लोग और सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा, आपका तो ऐसा संगीत है कि ये शिक्षा विभाग में जाने वाला है, पता नहीं कितना कुछ कह दिया था आज से उन्होंने 25-28 साल पहले, तो हमने वो नहीं करा। दूसरा डॉक्टर डी आर पुरोहित ने बोला दीदी, मैंने बोला लोगों के जो गीत धूम मचा रहे हैं मैं तो आप गीत गाऊंगी ये ज़्यादा नहीं गाती हूँ पहले पहले, तो डॉक्टर डी आर पुरोहित कहने लगे दीदी जिस दिन आपने नंदा को छोड़ा तो ये दुनिया आपको छोड़ देगी। बड़ी बात वो आपने नंदा को नहीं छोड़ना है, ये दुनिया कहाँ है आजकल, ये तो अलग यूनिक, यही तो आपको अलग बनाती है, यही अलग बनाती ये है, कहाँ है बोल, ये तो खत्म हो जाएंगे, तो हमारा सब कुछ चला गया इसके साथ ही, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा फिर, तो ये डॉक्टर डी आर पुरोहित ने बोला। तीसरा हमने बड़े विद्वानों ने हमें अच्छी शिक्षा दी है, डॉक्टर प्रयाग जोशी वो कहने लगे कि बसंती भरी कब तक गाती रहोगी, इसका लिखी बात करो इसको, मैंने बोला मुझे लिखना नहीं आता, फिर मिलते थे तूने लिखी लिखी बात किया कि नहीं कुछ तो कर, डॉक्टर शेखर काठर बोलते थे, डॉक्टर शेखर जोशी बोलते थे, और यहाँ के भी हमारे ये त्रिवेदी जी बोलते थे और ये हमारे जौनसारी जी बोलते थे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लिखो तो सही कुछ तो लिखो, तो बाद में हमने कलम उठाई बार बार इनके कहने पर, साहित्यकारों ने प्रोत्साहन दिया कि लिखो कुछ भी जैसे भी आता तुमको लिखो तो सही कुछ तो रहेगा ये पीछे, कल का किसने देखा ये बोलते थे ये, तो इस इनकी प्रेरणा से वो नंदा देवी की ग्रंथ तैयार हुआ, जैसे कलम हाथ में ली तो हमारे हमारे लिए ईश्वर की माँ की ये कृपा हुई कि मैं हार गई थी, अब मेरा तो कार्यक्रम कहीं होता भी नहीं, लोग बुलाते भी नहीं हैं, हे माँ नंदा तू अपना रास्ता खुदी अपनी वाणी को अपना अभी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं कई बार बोलती थी मैं आप नहीं गाती, फिर से उद्गार आते थे नहीं मुझे गाना चाहिए, कोई बात नहीं मैं घर में गाऊँगी घर के अंदर मैं अपने लिए गाती हूँ, क्यों गाऊँ मैं लोगों के लिए, ना सुने कोई मेरा ऐसा बोलती थी फिर, लेकिन फिर मैं गाती थी हमेशा। अच्छा तो, जो आपका जो अभी तक का जो सबसे आपको अच्छा पॉपुलर लगता हो कोई जागर इस टाइप का, जो दो लाइन जो है आप श्रोता जो है बार बार कान को खुजाते हैं कि कुछ सुनने को मिले, क्या तो, क्या गाना था ये तो मैं आखिरी जागर में नंदा देवी का तो है ही, लेकिन आखिरी जागर आजकल बसंत है ना सुना, धरती पर दीपक जलाते हैं आखिरियाँ फूल चुकने जाते हैं, तो टुकड़ी भर भर करके देवस्थान पर परियां तो दिया शैली धरती मजाए ये तो जागा के माना सरे वो रहा हे प्रभु दिया बरे तया खोली का गाने शाय ये तो दिया जागाया है हे मोरी का नारण ये देवलोक का हजबो संध्या में बैठी गारमाय हे ऋषि मुनि गण संध्या में बैठी गा ये जपान बैठेगा बोलो जाने वो रमा ये रुद्राशों के माला जपे लाशों के माला ऋषिगण माला जपने लगे रुद्राश पहने हुए अपने रुद्राश को जपने लगे, फिर भोलेनाथ जी के पास जाते हैं भक्त, वो ध्यान निंद्रा में रहते हैं, तो उस वहाँ का भी बड़ा अच्छा वर्णन है भोलेनाथ जब 12 वर्षीय क्या करें तपस्या ले उसका बोलते हैं, दो बहनें गई उनको भी आज की तरह महिलाओं को न्याय कभी नहीं मिलता, तो संजया लक्ष्मी को भी न्याय नहीं मिला, उनको जगह ही नहीं मिली बैठने के लिए, तो वो न्याय मांगने देवताओं के पास गए, तो देवता कहने लगे नहीं नहीं ताल दिया उनको भोलेनाथ के पास जाओ जाओ हमसे नहीं होता, जैसे महिलाओं को इधर से उधर भगाते तो उस जमाने में भी था ये, तो
लक्ष्मी ले देव दरबार छोड़े लोया जा चलेगा नेरा कैलाशा वो नेरा कैलाश है मदखला वो मामू महादेवा है। हे पार परमात्मा पिता मुरिन को ध्यान लग्यो चा आँखों का पलक जो लग्या फलाय ये शंकर महाराज या जो ध्यान में बैठा छा। इस गायक को देखा ही नहीं मैंने, मिली नहीं मैं इनसे, लेकिन उनके गाती हूँ ना, वो कितने महान थे वो गायक। तो हे प्रभु बाएं तरफ गणेश को आसन लग्यो छ, बाएं तरफ कार्तिक को आसन लग्यो छ, हे शिवाणो बैठी छे प्रभु, ये श्री सती पार वे है। हे शंकर तेरा नीरा कैलाश मा चार धुनियो जग्या फला, जग धुनि शग धुनि पया पदम के धुनि गोसा सार के धुनि जगे फले, ये चार धुनियो माहे फले हाँ चार देना भैरव है। ये प्रभु बारा व्रत किए भगते बैठेगा दो बहन दोनों में सुंदर में त्रिशाल जामे दो ये शिरह जामो शिमला तुम्हारो ये लक्ष्मी माता पाओ जामे गोदुवान रहना पैरों में धूप जब गई मैं तो तब तक दोनों महिलाओं की और फिर मैं काई जब गई तो 12 वर्ष बाद भगवान भोलेनाथ ने जब ये प्रभु जब 12 आया बरसे नरेणा ते भगत पान पठी गो 18 ये पर वे भगवान ये प्रभु ऋषि को ने तपशे भगवान या वो प्रभु क्या बरे मंगना फला ये प्रभु अनलोभी हे अनादाने मंगना मंगना प्रभु धन लोभी धन दाने मंगना भगवान हे प्रभु धड़ा जोड़ा को न मंगेलो कह फोनी दिया लो भगवान बल बोधे बोदाना भगवान हे प्रभु मैं सोने दे देव तुम दे देव भगवान अखंडे भक्ति गोवरदान अखंडे भक्ति गोवरदान। जिसको लालच नहीं होता वो सिर्फ भक्ति मांगता है अन्न धन कुछ नहीं मांगता है। तो ऐसे भोलेनाथ से उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी ने अन्न दान मांगा किसी ने धन किसी ने कुछ मांगा लोग जपत करे, लेकिन उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ भक्ति चाहिए। अच्छा आपके आपके जो जागर हैं और जो वर्तमान में कई लोग गा रहे हैं, जो वर्तमान जी गा रहे हैं, हिमन नेगी भी गाती है, वो पम्मी नवल भी गाती है, तो उनमें और आपके जागरों में क्या स्पेशल है, क्या अंतर आप पाते हैं? तो उनका मैं नहीं जानती, मैं अपने जागरों के बारे में जानती हूँ और वो क्या गाते हैं उनके कैसा रिवाज है क्या क्या है, लेकिन मेरे वहाँ जो जागर हैं मेरे क्षेत्र में चमोली और रुद्रप्रयाग दशोली बदगांव यहाँ अपार भंडार है जागर, यहाँ को जागर जो हैं बड़े विधि विधान अनुष्ठान से गाते हैं बड़े पवित्र। हमारे यहाँ क्या होता है हर जगह नाचते नहीं, महिलाओं को बाल खोल के नाचना सख्त मना है, वो वहाँ पर ही जहाँ पर देव देवता को स्थापित करते हैं वहीं पर अगर महिलाएं भी नाचती हैं लेकिन वहीं पर वो अवतरित होते हैं वहीं पर स्थापित होते हैं।
और ये पंडित का जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण लोग दिन सजाते हैं उसका शास्त्रीय विधि से, तो उस दिन अनुष्ठान होता है वहाँ पर। दूसरा आश्रय जागरण में हमारे यहाँ क्या होता है, पुरुष उस नृत्य को देखते भी नहीं है, वही बजाने वाला होगा, बाकी सारी महिलाओं का आयोजन होता है, वो ये परियों का नृत्य होता है। बाकी दूसरे जो नृत्य होते हैं हमारे वहाँ घोड़े चाचरी और अन्य जो होते हैं वो सामूहिक होता है, वो ऐसा मर्यादा के अंदर होता है कि आप ससुर के सामने भी गा सकते हैं और बच्चों के सामने, कोई गजा नहीं है उसमें, एक चरित्रवान मतलब चरित्र निर्माण जैसे वो गीत होते हैं हमारे यहाँ मेलों में, देवताओं के होते हैं, या पहाड़ों का वर्णन होता है, पानी का, नदियों का वर्णन होता है, विष्णु का वर्णन होता है, नदी स्वच्छता का वर्णन होता है उसमें, प्रकृति प्रेम का होता है, मतलब सब को जो है कि सामूहिक गाते हैं उसको, बड़े उससे गाते थे, अब वो खत्म हो गया है, एकदम ही खत्म हो गया है ये कुछ साल से। तो ऐसा मैं उस वो इलाका मैंने देखा नहीं है। हमारे यहाँ जो ढोली होता है, जो जगरिए ढोली होते हैं, वो ढोल बजाते हैं, अलंकार करते हैं, गुणगान गाते हैं, लेकिन राश जो गाथा होती है वो हमारे सौरम लोग गाते हैं, ब्राह्मण भी होता है उसमें, जन्मान भी होता है, और ढोल भी बजाते हैं, उड़का भी बजाते हैं हमारे सौरम लोगों में, वो स्वामी वगैरह गोसाई वगैरह होती है ना, तो वो करना। और देवी गंगा के जो जागर होते हैं वो हमारे पंडित पुजारी भी गाते हैं, हमारे स्थानीय पंडित लोग गाते हैं, घोड़ा वगैरह में हम औरतें भी थोड़ा सा जैसे पुरुष उस तरह का औरतें गाते हैं, लेकिन हमने पहली बार हमने ये मर्यादा तोड़ी है, पर हमने इतनी मर्यादा तोड़ी है जितनी हमारे को जरूरत है, हमने वो देवताओं को अवतरित करने की मर्यादा को हमने पुरुष और उन जगरियों को ही छोड़ा है, क्योंकि मैं उतनी साधना नहीं कर सकती, उतना नियम नहीं कर सकती। देवताओं को हमें बताया है कि इनके लिए अखंड भक्ति चाहिए, मैं उतनी भक्ति नहीं कर सकती हूँ, मैं कई बार इधर उधर भी जाती हूँ, बाहर भी खा लेती हूँ, तो इसके लिए बड़ा नियम चाहिए। तो वो अवतरित वाला मैंने देवताओं को अवतरित नहीं किया है, मेरी माँ ने मना किया, बोला बेटा इतना तुम्हें अधिकार मिल गया, पुरुष तो ठीक है, महिला भी कम नहीं है, लेकिन पुरुष की सर्वश्रेष्ठ, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जन्म है उसका भी, अगर वो पुरुष ना होता हमारे सर पर तो हमको तो कहीं भी बह जाती है, हम लोग इतने भावुक होते हैं, तो हमारा पुरुष हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, तो हम प्रगति प्रगति की तरफ जाते हैं, और हमारी सोच बदलती है, गलत को वो हमें बोलते हैं नहीं गलत है ये, सही को बोलते हैं हमारी वाह वाह करते हैं, तो पुरुष का जी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो उन्होंने मना, मेरी माँ ने मना किया, तो मैंने देवताओं को अवतरित करना ही स्पेशल यही है। चलो ठीक है, और कुछ कुछ तो नहीं कहना है आपको स्पेशली और लोगों को? और तो कुछ नहीं कहना है, बस बच्चे करें आगे, हमें उम्मीद तो है कि कोई ना कोई निकल आए, अब सभी तो नहीं निकलते हैं, पता नहीं कौन निकलता है आगे, अब जो जितना मेहनत करेगा, खजाना तो जैसे मणि तो किसी किसी को मिलती है, हमें भी मालूम नहीं था कि हम कहीं इस तरह के लिए, हम तो अपने लिए गाती थी, मैं तो लोग बोलते थे अच्छा गा रही है, तो गाती थी घर में गाती थी, मुझे ये पता नहीं था कि लोग पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि लोगों को ये अच्छा लगेगा, बल्कि मैंने पहले जागर गाने से बिल्कुल मना किया था। इसमें ये चीज़ और है, शिव बेनुली है यहाँ, अच्छा गढ़वाल सभा में आयोजन होने वाला था, तो बोला आप वहाँ में जागर सुना, मैंने बोला नहीं मुझे गाँव वाले देखेंगे लोग क्या करेंगे जागर के, मैं तो गीत गाऊँगी, नहीं नहीं गाओ तो सही आप, उन्होंने इतना बाध्य किया मुझे जागर गाने के, तो इसका मतलब लोग चाहते हैं। फिर ये त्रिवेदी जी थे, वो हमारी भाषा के नहीं, ये क्या नाम था त्रिवेदी जी, बड़े कवि थे वो, जौनसारी जी थे, और ये अपने बुद्धिनाथ मिश्र आपके साथ वो विरासत वाले, तो इन्होंने जागरण को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, ये लोग बहुत पसंद करते थे, बड़ी ताली बजाते थे और पूछते थे ये इसका मतलब क्या है, तो ऐसे लोगों ने वो पसंद किया है, तो थोड़ा मेरा भी हौसला हुआ कि मुझे गाना ही चाहिए जब ये लोग चाह रहे हैं। अब मनोरंजन अपनी जगह है, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे कर रहे हैं अच्छी बात है वो भी, लेकिन मनोरंजन रंजन के साथ हमारे जो हमारा असली अपनी चीज़ है
वो भी बाहर आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे उसको भी सीखें तो बच्चे खुद आगे निकलेंगे, बहुत ऊँचाइयाँ छूएंगे बच्चे। ये थे हमारे साथ पद्मश्री बसंती बिस्ती जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी नई पीढ़ी को जागरूक के लिए आगे आना पड़ेगा और हमें नई सरकारों से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से इसकी बड़ी उम्मीद है। अनुप्रकाश नेगी, देहरादून।